ये हमारा डॉग ग्रिफिन नाम है और बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। आप ना इसकी ना मस्कुलैरिटी से पहचान सकते हो। आप आपने इनका अभी पहला डॉग देखा था ना, वो भाई हाइपर एनर्जेटिक बंदा था और इतनी शांत है उसके मुकाबले। जो भैया ने अभी हमें दिखाया है वो बहुत प्यारा है। इसकी आईज का जरा देखो, ब्राउन ब्राउन सी आईज होती है इनकी। देखो फिर अब ये देखो, ये आकाश भाई के साथ फुल हमारे खेल रहा है। देखो छोटा चलने वाला नहीं, कितना हाइपर एक्टिव बन रहा है ये भी। हे गाइस, दोस्तों दिल्ली वाला, तो कैसी है मेरे यूट्यूब की जनता। तो गाइस आज का जो हमारा ब्लॉग है वो होने वाला है लैब्राडोर पे। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारा भाई अभी कुछ दिनों से करनाल में है। तो भाई करनाल में हमारे एक धीरज भाई हैं। मैं कह रहा हूँ पूरी इंडिया को चैलेंज कर रहा हूँ कि बस इंडिया के बेस्ट लैब्राडोर हैं। और मैं कह रहा हूँ कि आज का जो ये ब्लॉग है ना, अगर आप एक लैब्राडोर लवर हो तो पूरा एंड तक देखना। काफ़ी ज़्यादा हम डिटेलिंग पे बात करेंगे, कैसे क्या डॉग होता है, कैसे बिहेवियर्स होते हैं, तो उन सारे टॉपिक पे बात होगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। हमारा भाई मेहनत कर रहा है, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। करते हैं वीडियो को शेयर बिना किसी तरीके। लेट्स गो। कैसे हो धीरज भाई? बहुत अच्छा भैया। ओके गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइस कि धीरज भाई हमारे इनके पास हैं लैब्राडोर क्यों भैया, और जो कि इंडिया के बेस्ट लैब्राडोर हम बोल सकते हैं। वैसे भैया मुझे बताओ किस नाम से है आपके कैनल? ग्रेस कैनल के नाम से है। ग्रेस कैनल, ओके। ये नीलूखेड़ी करनाल हरियाणा में पड़ता है, ओके। वैसे अगर बात करें लैब्राडोर्स की तो कितने होंगे आपके पास अभी? मेरे पास है इस टाइम 25 कर रहा हूँ। 25 लैब्राडोर्स इनके पास अभी हैं और काफ़ी टाइम से ये ब्रीडिंग वगैरह कर रहे हैं। इस चीज़ में कितना टाइम हो गया वो कर रहा हूँ? मोस्टली आप लगा चलिए लगभग एक ईयर्स आराम से हो गया। उससे पहले से पैशन था, बचपन से ही होगा। बचपन से डॉग्स में देखो, डॉग्स लवर जितने भी होते हैं उनका मतलब बचपन से ही सपना होता है कि भाई हमें एक डॉग रखेंगे। फिर धीरे धीरे और पैशन से प्रोफेशन बनने में टाइम नहीं लगता। बिल्कुल, थोड़ा सा ना आपको यहाँ पर कैनल टूर बोल सकते हैं हमें, और काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने। ये सारा डॉग्स के लिए ही? हाँ, डॉग्स के लिए है ये, पपीज के खेलने के लिए। हाँ जी जी, ये पपीज के लिए बेसिकली है जो वो, और डॉग्स के लिए भी इन्होंने, डॉग्स के लिए थोड़ी बहुत जगह रखी हुई है घूमने के लिए। उसके अलावा जो है बाहर डॉग्स को सैर वगैरह कराना, घुमाना फिराना। और बाहर तो इतना स्पेस है ही, आपको पता है ये लोकेटेड है करनाल में। कहाँ पे लोकेटेड है वैसे? ये नीलूखेड़ी करनाल। हाँ जी, नीलूखेड़ी करनाल के आसपास है। तो आपको पता है कि यहाँ पे स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे एक बार मैं अंदर का टूर देता हूँ आपको, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने ईयरफोन लगा रखी है तो वो निकाल लेना, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी यहाँ से, बेस शुरू हो जाता है। गाइस अंदर का माहौल ऐसा है कि हम कुछ भी बोलेंगे आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, एक एक करके दिखाता हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। पहला शेर आ गया है हमारा, आजा। बाहर घूमने का मन हो रहा है इसे, पता है आपको? आजा आजा। क्या नाम क्या वैसे इसका? ग्रिफिन है। ग्रिफिन नाम है। ये थोड़ा अभी रुक सकता है नहीं। तो इसका नाम, तो भैया इसका नाम क्या है? ग्रिफिन। ग्रिफिन, तो भाई पहला आ गया हमारा डॉग ग्रिफिन नाम है, और बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। आप ना इसकी ना मस्कुलैरिटी से पहचान सकते हो आप ये क्या लैबरा ही लग रहा है। वैसे आप भैया मुझे बताओ, जो जजिंग होती है ना लैब की, कैसे करते हैं आप ये बताओ मुझे। ठीक है, सबसे पहले इसके हेड, हाँ जी, हेड वगैरह देखते हैं, बोन देखा जाता है, हाँ जी, टेल की रोटेशन देखी जाती है, इसके हुक्स हाइंड्स किस पोजीशन में हैं, वीक हैं, कैसे हैं, ये चीज़ें मेन होती हैं। नोटिस करी जाती है लाइक। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो मुझे ये ज़्यादा ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। एग्रेसिव होते नहीं है? नहीं, एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होता। एग्रेसिव नहीं होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। तो भैया बात करें अगर इसकी एज की तो कितनी एज होगी? ये 4 ईयर्स का हो चुका है। 4 ईयर्स का हो सकता है। और भाई एनर्जेटिक कितना है ना भाई, मतलब मत पूछो, बहुत खतरनाक एनर्जेटिक है। जब से आया तब से भागी दौड़ कर रहा है। ये मेरी होम ब्रीडिंग है, मतलब इसकी मदर की लाइन, इसकी ग्रैंड मदर की लाइन, इसके ग्रैंड फादर टोटली मेरे पास ही थे। ये मेरी होम ब्रीडिंग है। ओके, तो भाई आप ये देख सकते हो। वैसे इस कलर को क्या बोलते हैं? हम इसे बेसिकली गोल्डन ऑफ वाइट या येलो कलर। ओके गाइस, हम आपको दिखाते हैं सेकंड डॉग। इसका क्या नाम होगा? इसका मास्टर नाम है। मास्टर, ओके। मैं बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, बैठ लीजिए। कोई एग्रेसिव नहीं है। ओके गाइस, बहुत ही लग रहा है।
मतलब इतना शांत है, फीमेल है मेल है? ये मेल है। वैसे कितने साल गई ये? 3 इयर्स का। 3 इयर्स का। मैं सही बताऊँ ना, इनके जितने भी डॉग है ना, मैंने अभी अंदर जाके कैनल में देखे, वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि देखो वॉइस का थोड़ा इशू आता है, तो एक से एक लग रहे हैं सारे के सारे। वैसे इसे भी सेम कलर में, वैसे लैब डॉग कौन से कितने कलर में होते हैं? वैसे बेसिकली ये 3 कलर में आते हैं। ये 3 कलर में, गोल्डन, लैब और चॉकलेट। ओके तो मतलब जो भी मेरा व्यूअर्स देख रहे हैं, तो भाई मैं आपको सिंपली बता दूं, डॉग्स ये जो लैब्रा डॉग्स है इसमें देखो एग्रेशन तो होता नहीं है जी। और इंडिया में पाली जाने वाली ना मैक्सिमम ब्रीड में कोई ही लगती है जी। एक ये और एक गोल्डन रिट्रीवर, गोल्डन जो सबसे ज़्यादा समझदार भी होते हैं, सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले होते हैं। और मुझे इनका डाइट का बताओ कि कैसे आप मेंटेन करते हैं? मॉर्निंग में वही देते हैं एग और प्लस फीड, मतलब एक डॉग को 4 एग हाँ जी और 4 एग्स हाँ जी और 200 ग्राम के लगभग फीड। ओके और इवनिंग में हम देते हैं इन्हें चिकन हाँ जी, बॉयल्ड एग ओके और प्लस फीड। तो मतलब कुछ इनका ऐसे ही शेड्यूल होता है, मतलब अगर कोई वेज या नॉन वेज पे रखना चाहते हैं तो कोई नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप प्रॉपर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मार्केट फीड भी अवेलेबल है और आप घर पे नॉर्मल अपने डाइट पे रख सकते हैं, घर पे जैसे आप चपाती, राइस और बॉइल्ड मींस जैसे वेजिटेबल्स हो गई, कुछ भी। तो ये सब चीज़ होती है। जैसे आप मेरा मेरे व्यूअर्स को ना मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको इतना 1 साल हो गया है इसी ब्रीड में जी, क्या एक्सपीरियंस, क्या अलग लगता है सारी ब्रीड अलग? बस मिलनसार हैं। अच्छा, मतलब फ्रेंडली हैं। हाँ, और दूसरी बात क्या है, मेंटेनेंस जीरो है इनकी। अच्छा जी, मेंटेनेंस जीरो है, बीमार बहुत ही कम होते हैं जी, ठीक है। और तीसरी बात जो है, मतलब कि फ्रेंडली भी लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए आप, स्टार्टिंग से ही मेरा मतलब रफ एंड टफ बोलो, रफ एंड टफ कैसे। और देखो मैं इससे ना फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ गाइस, फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ इनके सारे डॉग से, किसी ने ना मेरी तरफ भौंका भी नहीं है अभी तक। और अगर गार्डिंग के लिए भी मैं कह रहा हूँ 100% इनको नंबर मिलेंगे, क्योंकि देखो भौंकते हैं जो ये प्रोटेक्ट करते हैं, बट टाइम आने पे जी ऐसे ही नहीं करते। देखो इतनी शांत है ये, उसका फेस देखो कितना प्यारा लगता है। ओके, वैसे दिन में कितने टाइम खाना देना पड़ता है इनको? 2 टाइम। मेरा एक क्वेश्चन और आपसे, जैसे कि कुछ हमारे जिनका छोटा घर है या किसी का बड़ा घर है, तो एसी नॉन एसी से फर्क तो नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एसी में रखिए हाँ जी, आप कूलर में रखिए, आप चाहे पंखे में रखिए, पंखे में रखिए, तो मतलब इतना कोई मैटर नहीं करता आदत डालने के ऊपर। वो आपको बनाना पड़ेगा एटमोसफेयर, आपको किस एटमोसफेयर में। ओके, वैसे मुझे तो ये ब्रीड ना लेजी तो लगती नहीं है। वैसे कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोगों की ब्रीड थोड़ी सी लेजी हो जाती है, ऐसा लेजी तो नहीं? ऐसा लेजी नहीं है। आपने इनका अभी पहला डॉग देखा था ना, वो भाई हाइपर एनर्जेटिक बंदा था और ये उतनी शांत है उसके मुकाबले। लोग क्या कहते हैं, ब्लैक कलर ही उनको चाहिए, ठीक है? तो ये ब्लैक है, प्रॉपर ब्लैक है। क्यों भैया, इनमें ऐसा कुछ होता है कि पैचेस वगैरह होते हैं वाइट वाइट से? पैचेस देखिए बॉडी के ऊपर आना, बॉडी के अपर अपर उस पे जी, वो एक माइनस पॉइंट रहता है। ओके, अगर इनकी चेस्ट पे अगर स्पॉट है हाँ जी, कोई माइनस पॉइंट नहीं है। अच्छा, वो अच्छी चीज है। ओके, वो मान के चलिए आप जब हम इम्पोर्ट लाइंस, जब हैवी लाइंस यूज करते हैं हाँ जी, तो वो पैचेस आने जरूरी है, मतलब वो आएंगे हाँ जी। और इनके पैरों के नीचे मतलब पाउथ के नीचे वहाँ भी वाइट हेयर आ जाते हैं, कोई माइनस पॉइंट नहीं है वो भी। ओके, मीन्स अपर बॉडी पे आना जी वाइट, वो एक माइनस पॉइंट है। ओके, वैसे ये तो प्रॉपर ब्लैक है, प्रॉपर ब्लैक है प्रॉपर। वैसे इसका नाम क्या है? एडॉल। एडॉल कितने टाइम से आपके पास ही? ये भी मेरी होम ब्रीडिंग है जी, जी। और ये बचपन से आपने ही वाला? हाँ बचपन से, बचपन से। ओके, और ये इसकी एज हो चुकी है 16 मंथ। ये भी काफी प्यारा लग रहा है। ये देखो फुल मस्ती वगैरह कर रहे हैं। अब मुझे भैया एक चीज और बताओ कि भाई इनका एज वगैरह का क्या जाता है, क्या एज रहती है इनकी? एज इनका लाइफ स्पाइन बेसिकली 8 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर तक रहता है। ओके, मतलब मैंने भी इन्हें ना फर्स्ट टाइम कवर करा है तो प्यार हो गया मेरे को। ओके, और आप मुझे मेरा क्वेश्चन आपसे और एक और है कि आपने इसी इतना फोकस क्यों करा? मतलब देखिए, एक तो मैं बचपन से ही लैब्राडोर रख रहा था। अच्छा, बचपन से ही। तो बस एक ब्रीड के साथ आप लगा लीजिए भाई, लगाव ज़्यादा है, अटैचमेंट ज़्यादा है, बिहेवियर इनका मालूम है, ब्रीडिंग के बारे में मालूम है इनकी। ब्रीडिंग मतलब नॉर्मल काफ़ी अच्छे स्टेटस के लेवल पे करते हैं ये जी। और मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि उनमें से कुछ इम्पोर्ट भी होंगे, कुछ चैंपियन भी होंगे? कुछ चैंपियन के बच्चे भी हैं हाँ जी, इम्पोर्ट्स के बच्चे भी हैं। ओके, ठीक है। और मतलब है सारी होम ब्रीडिंग। अच्छा, सारी होम ब्रीडिंग है। मीन्स इन पे देखो जो भी काम कर रहा है वो भैया ने करा है। और मैं बताऊँ, एक ब्रीडर वही होता है जो अपनी ब्रीड को सुधारे दिन पर दिन, उन पे काम करे। क्यों भैया जी, उनकी जो चीज़ें होती हैं उन पे फोकस करें। अब ये देखो, ये आकाश भाई के साथ फुल हमारे खेल रहा है और ये बहुत फ्रेंडली है ना गाइस। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप अगर घर में अपने कोई सा भी डॉग रखना चाह रहे हो तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई डॉग होगा। वीडियो के पास है कुछ प्यारे प्यारे से लैब के पपी, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है भैया। वैसे कितने डेज के? ये 30 डेज के अराउंड। ये देखो कितना ही प्यारा लग रहा है, वो और एनर्जेटिक देखो कितने हैं।
और ये कौन सा कलर है? ये चॉकलेट कलर है। चॉकलेट कलर है, ओके। इसमें भी देखो, इनकी आईज देखो, इसकी आईज कैसी कलर की है? ये ग्रे। आईज भी ग्रे कलर की है। कितनी प्यारी लगी है। वैसे मुझे ये बताओ, जब तक ये छोटे होते हैं क्या फीड वगैरह देते हो आप इनको? फीडिंग इनको 3 टाइम फीडिंग करते हैं, जो हम मदर फीड के जो अलग मदर फीड से अलग जो फीड करवाते हैं वो 3 टाइम कराते हैं। 3 टाइम कराते हैं और 3 टाइम ही इनका मदर फीड करता है। ओके, वैसे ये वाला करा रहा है। ओके, वैसे वैक्सीनेशन डन होने के बाद ही पपी वगैरह आप जी दोगे? तो कहीं किसी को अगर पपीज वगैरह भी चाहिए हो तो यहाँ से आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। और ये देखो, इसमें भी यार इनका मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है, इनकी देखो ब्लैक नोज है एंड इनकी थोड़ा डिफरेंट नोज है, तो इसमें भी कुछ एक्चुअल में उसकी जो मदर लाइन है वो चॉकलेट है। अच्छा, वो चॉकलेट लाइन है, इसकी मदर लाइन है। ओके, और ये थोड़ा वाइट है ये जी। ये देखो कितना एनर्जेटिक, अभी देखो दौड़ने का, चल हो जाए। देखो मतलब अभी इतना छोटा है, चल नहीं पा रहा सही से, देखो कितना हाइपर एक्टिव बन रहा है अभी। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय, लव यू।